11 मार्च को पल्स पोलियो अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर के हाथों नागरी स्वास्थ्य केंद्र मनपा देगोतुकुम में बालकों को पोलियो डोज पिलाकर किया गया। इस अवसर पर महापौर अंजलि घोटेकर, नगर सेवक संदीप आवारी, नगर सेविका पुष्पा उराडे, नगर सेविका शीतल गुरनुले, माया उल्के आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर हंसराज अहीर ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने पोलियो मुक्त भारत का नारा दिया है। पोलियो मुक्ति का ये सपना साकार करने केंद्रीय तथा विविध राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कदम आगे बढ़ाए है। पोलियो के निर्मूलन के लिए प्रभावी दवाओं की उपलब्धता करते हुए महाराष्ट्र पोलियो मुक्त करने के लिए सरकार प्रयासरत है। इस प्रयास को सार्वजनिक स्तर से प्रतिसाद की आवश्यकता है। पोलियो की चुनौती हम सामूहिक रूप से ले सकते हैं। इसे ध्यान में रखकर अपने 0 से 5 वर्ष आयु गट के बालकों को दूसरे चरण के पल्स पोलियो अभियान का लाभ देकर यह चरण सफल करे, ऐसा आह्वान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने किया। आज पूर्ण देश भर पल्स पोलियो डे म्हणून आपण साजरा करतो। आज महानगरपालिका चंद्रपूर मध्ये या प्रभागात ज्या ठिकाणी महापौरांचा वार्ड आहे, आज इथं लहान मुलांना पल्स पोलिओ करता जे डोस देण्यात येतात ते देण्याचा कार्यक्रम चालू असताना मी सर्व नागरिकांना पुन्हा आवाहन करतो। मोठ्या संख्येने या ठिकाणी बालकांना घेऊन आपण आला, ही एक सामाजिक आणि कौटुंबिक जिम्मेदारी म्हणून सगळ्यांनी याचा राष्ट्रीय कार्यक्रमाचं महत्त्व समजून 100% हा कार्यक्रम यशस्वी करण्याकरता आज पण हातभार लावलेला आहे। मला या गोष्टीचं गर्व आहे की जगात सर्वात चांगला हा पल्स पोलिओसाठी जो कार्यक्रम चालतो, जगात सर्वात चांगला कार्यक्रम भारतात झालेला आहे, निषिद्ध झालेला आहे। म्हणून नागरिकांना मनापासून शुभेच्छा, अधिकाऱ्यांना पण मनापासून शुभेच्छा। आपण चांगला हा कार्यक्रम राबवत आहात देशामध्ये, महानगरामध्ये, चंद्रपूर।